तो गाइस हमेशा कुछ कुछ फ़ोन के बारे में लीक्स आता रहता है, तो अभी लीक्स आए वन प्लस नाइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वन प्लस नाइन के बारे में लीक आया है, जिसमें आपको तीन वेरिएंट के स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, जो कि वन प्लस नाइन, वन प्लस नाइन प्रो एंड वन प्लस नाइन लाइट। ये तीन वेरिएंट के स्मार्टफोन देखने को मिलेगा एंड तीन के वेरिएंट के स्मार्टफोन आपको 5G कनेक्टिविटी सेट देखने को मिलेगा एंड दोनों एंड तीनों ही स्मार्टफोन में आपको फीचर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे वन प्लस नाइन स्मार्टफोन के बारे में, जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है एंड ये पहला वेरियंट होगा वन प्लस नाइन का। जी हाँ दोस्तों, एंड इसमें भी आपको कुछ कमाल का फीचर देखने को मिलेगा एंड वन प्लस नाइन प्रो एंड नाइन लाइट के बारे में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके बारे में वन प्लस नाइन प्रो एंड नाइन लाइट के बारे में वीडियो अपलोड होने वाला है, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। उसके मुताबिक यहाँ पर वन प्लस नाइन में आपको बहुत ही कमाल का फीचर देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले एंड स्नैपड्रैगन 888 का SoC देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल में बात करें आज के इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी और आप देख रहे हैं मोबाइल चेकपॉइंट यूट्यूब चैनल। तो पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। यहाँ पर आपको डिजाइन कुछ बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है वन प्लस नाइन में। कुछ अलग डिजाइन यहाँ पर वन प्लस की तरफ से देखने को मिलेगा नाइन सीरीज में, जहाँ पर आपको रियर सेट में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको बड़े बड़े दो कैमरा देखने को मिलेगा एंड एक छोटा सा कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है रियर सेट में एंड उसके साथ साथ आपको मिडिल में वन प्लस के लोगो देखने को मिल सकता है। उसके साथ दोस्तों, अगर बात करें स्मार्टफोन की फ्रंट सेट के बारे में, तो दोस्तों फ्रंट सेट में आपको पॉन्च और डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोस्तों डिजाइन के बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन है, बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। शुरुआत करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको 6.55 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है एंड उसमें आपको 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर वन प्लस नाइन में आपको 120Hz वाला हाई रिफ्रेश वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ ही यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले भी दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। सारी से ज्यादा अगर बात करें स्मार्टफोन की रैम और रोम वेरिएंट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 8GB+128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आपको LPDDR5 का रैम देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल सकता है स्मार्टफोन में, यानी कि रैम और रोम टाइप यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों ऐसा अगर देखने को मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको रीड एंड राइट का सपोर्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन में। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन के अदर सम कनेक्टिविटी के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है। 3.5 हेडफोन जैक देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 3.5 हेडफोन जैक के बारे में कोई अपडेट नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों स्मार्टफोन में आपको इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि आप वो इसको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी बोल सकते हो, ये सिक्योरिटी के लिए आपको दिया गया है। तो सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करें स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ पर आपको 48MP का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 48MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा एंड उसके साथ साथ नीचे यहाँ पर आपको कौन सा कैमरा देखने को मिलेगा, हो सकता है कि मैक्रो कैमरा देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। साथ साथ दोस्तों इसका फ्रंट कैमरे के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फ्रंट साइड में आपको कौन सा कैमरा देखने को मिलेगा एंड कितने मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। जितने भी लीक है उसके बारे में बात करते हैं, बेकार की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्सीजन OS 11 बेस्ट है एंड अगर बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का SoC देखने को मिलेगा, जो कि 5nm टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ट है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये प्रोसेसर कितना पावरफुल प्रोसेसर है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोसेसर के साथ आप अच्छा खासा गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा एंड ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, यानी परफॉर्मेंस इस फोन में आपको बहुत ही अच्छा दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों अगर आगे बढ़े और बात करें स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो दोस्तों ये बोला जा रहा है कि स्मार्टफोन में आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 65W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड उसके साथ साथ हम आपको 30W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखते हैं स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा और क्या क्या देखने को नहीं मिलेगा, पूरी डिटेल में पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइस एंड इंडिया लॉन्च के बारे में, तो दोस्तों हो सकता है मार्च के महीने में देखने को मिल सकता है एंड प्राइस ओवर आपको 40,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। इसका प्राइस कम नहीं होगा, 40,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ शेयर करें।